तो आज मैं आया हूँ प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव पे। फिर से हाजिर आपके सामने ट्विंस ब्लॉगर सिरोही एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए जोश के साथ। तो जय श्री राम। तो आज मैं आया हूँ प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव पे। अब पीछे देख रहे हो कि ये वाला प्रमुख गेट है जो यहाँ पे स्पेशल जो गेस्ट आते हैं उनके लिए एंट्री रहती है। तो ये वाला पूरा व्यू है तो आप देख लो। और इस शताब्दी का मतलब ये है कि उनके महाराज स्वामी महाराज के 100 साल पूरे होने पे शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है जो एक महीने से चल रहा है और लास्ट डेट है। तो आप ज़रूर पधारें यहाँ पे और बहुत अच्छा है, भव्य है, विजिट कर सकते हो। ये आप जो देख रहे हैं वो मेन द्वार है जो स्पेशल जो गेस्ट आते हैं उनके लिए है यहाँ पे एंट्री। तो ये फ़िलहाल बनी रहता है, ये मतलब स्वागत गेट है। यहाँ से यहाँ कोई ना आ सकता है ना जा सकता है, लेकिन स्पेशल जो गेस्ट होते हैं उनके लिए है ये वाला स्पेस। तो यहाँ से गेट चालू होता है अंदर जाने का। ये वाला पूरा क्राउड है, मतलब मैं भी पहली बार आया यहाँ पे प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी क्राउड है, संडे है। जय स्वामीनारायण। हाँ, स्टार होगा दूसरा गेट। और ये मैं आपका ट्विंस ब्लॉगर सिर्फ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं भी आया दर्शन करने, काफ़ी दिन से आने का सोचा था लेकिन आज वक्त मिला है तो मैं भी आया। और आप ये चेक करें गाइस, पब्लिक पब्लिक बहु पब्लिक है भाई, बहु पब्लिक है आज है स्वामीनारायण रोड पावर। तो यहाँ से दूसरा गेट चालू होगा स्वामीनारायण प्रमुख का। तो मेरे को एंट्री मिली है दूसरे गेट से और ये वाला है गेट दूसरा नंबर, गेट नंबर दूसरा। तो गेट नंबर दो मैं आ चुका हूँ और ये है प्रमुख स्वामीनारायण का गेट नंबर दो। तो गाइस व्लॉग में बने रहना और मैं आपको प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव बताऊँगा इस व्लॉग में। तो आप देखते रहना और बने रहना मेरे साथ। गेट नंबर दो है और यहाँ से क्राउड देख सकते हो। और एक फ्रेंड बने नए, क्या कहना भाई जी आपका? साईराज। तुम्हारा? 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 एक मतलब आ गया। तो कैसा लगा यहाँ आके? गुजराती में बोलो यार, गुजराती हाउ लग से तुम्हें? क्यों गेट नंबर छः भाई? बे नंबर छः है। यहाँ थी अंदर के बाजू जावा डायरेक्ट सीधो आप महाराज ने। चलो भाई मढ़िया, जय स्वामीनारायण। तो यहाँ से अब अंदर एंट्री है और ये गेट नंबर दो, जय स्वामीनारायण। क्या बताओ यार, यहाँ से जो बताओ वो कम ही है। तो आप देख सकते हो काफ़ी क्राउड है यार, मतलब कहीं देखने की जगह भी नहीं मिल रही, इतने लोग हैं यहाँ पे। और मैं भी पहली बार आया हूँ तो यहाँ पे प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव जो रिंग रोड पे है मौजूद है। तो आप देख रहे हो ये है स्वामीनारायण मंदिर महोत्सव पूरा, जहाँ देखे वहाँ पूरा क्राउड ही है। सामने आप देख रहे हो ये है मूर्ति, सबसे बड़ी है इस शताब्दी महोत्सव में स्वामीनारायण जी। तो आप देख रहे हो कि ये वाली मूर्ति है स्वामीनारायण जी की, सबसे बड़ी मूर्ति इस सिस्टम में शताब्दी महोत्सव में। करिए
जा देख पाया भीड़ है, कहाँ जाना है, महल का जाने का रास्ता है, वो भी मेरे को पता नहीं है। तो आप सामने देख रहे हैं प्रमुख स्वामी महाराज जी का इस शताब्दी का सबसे बड़ा मंदिर, और ये वाला जो मंदिर है तो ये वही प्रमुख मंदिर है इस शताब्दी का स्वामी महाराज। चलो भाई फोन मुकी तो अंदर अलाउ नहीं, फोटो चलता चलता दर्शन करो, वीडियो ले। तो आप देख रहे हो काफी क्राउड है, और ये है प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी में काफी भीड़ है। देखने ऐसा है मतलब बच्चों का पूरा एक किया हुआ है, और बाकी सब देख रहे हैं बहुत तगड़ा है और देखने ऐसा है, लेकिन तो बाल नगरी देख रहे हो यहाँ से, ये वाला मंदिर है उसके चार और घूमते हैं अभी, इसके आसपास पूरा गार्डन टाइप बना हुआ है, वहाँ से पूरे लोग राउंड मारते हैं पूरा गोल गोल। पीछे राम जी सीता मैया और हनुमान जी की मूर्ति है, उसके पीछे भी महादेव जी की है, तीन चार भगवान जी की। तो गाइज आप देख रहे हो कि ये है प्रमुख स्वामी महाराज महोत्सव, तो और आप जा 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 नज़र जाएगी वहाँ का, वहाँ वहाँ लोग ही हैं, काफ़ी लोग हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मेन द्वार है, लेकिन ये स्पेशल गेस्ट के लिए है जो बाहर से आते हैं, जो उनके लिए स्पेशल है। तो ये सिर्फ एंट्री है, और यहाँ पे सिर्फ एक मेन गेट है, तो यहाँ पे सिर्फ देखने का ही है। ये आप जो देख रहे हैं वो मेन द्वार है, जो स्पेशल जो गेस्ट आते हैं उनके लिए है यहाँ पे एंट्री। तो ये फिलहाल बनी रहता है बस, यहाँ के यहाँ पे कोई ये मतलब स्वागत गेट है, यहाँ से यहाँ कोई ना आ सकता है ना जा सकता है, लेकिन स्पेशल जो गेस्ट होते हैं उनके लिए है ये वाला स्पेस। मेरा